हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज एक बहुत ही केस स्टडी के साथ आया हूँ। अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो देखो, इसका मॉडल नंबर है गीगाबाइट GA H81M S1। देख सकते हो इसका रिवीजन है 2.1। तो देखो, इस टाइप का जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था। तो रीस्टार्ट प्रॉब्लम है ये। तो 81 में रीस्टार्ट एक्चुअली दो वजह से होता है, या तो बायस ख़राब है या फिर आयो फॉल्टी है। ये दो वजह से 81 में रीस्टार्ट होता है। और एक वजह से होता है जो यहाँ पर एक लेनेसी होता है, ये अगर शॉर्ट है तो रीस्टार्ट कभी कभार होता है। तो ये तीन करीब कुल मिलाकर ये तीन वजह से ये 81 सीरीज़ का जो गीगाबाइट के ऊपर जितने भी सारे मदरबोर्ड हैं, ये तीन प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड करके रीस्टार्ट होता है। और भी कुछ कई छोटा मोटा इशू के वजह से होता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप काम करते हो तो छोटा मोटा इशू आप समझ जाओगे, लेकिन मेन जो इशू होता है, पहला तो है बायोस, बायोस के वजह से, और दूसरा जो है वो आयो के वजह से होता है, तीसरा मैंने बोला साउंड आईसी और लैन आईसी की वजह से कभी कभार रीस्टार्ट होता है। अदरवाइज ये रीस्टार्ट प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। तो अभी देखो, इस बोर्ड में रीस्टार्ट प्रॉब्लम का इशू है, तो देख लो पहले थोड़ा सा, फिर इसे सॉल्व आउट करते हैं, और आप भी सीख जाओगे, बहुत ही एक अच्छा चीज़। तो इसका वीडियो एक्चुअली मेरे पास करीब 8-10 गीगाबाइट का 81 सीरीज़ का मदरबोर्ड है, सारा छोटा है, एस है, ये एक S1 है। तो सारा बोर्ड में सेम प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चल के 15 कोड आके बंद हो रहा है। तो कुछ कुछ में PWMIC का इश्यूज़ है, कुछ कुछ में आयो का है, मिलजुल कर है, ठीक है। तो इसमें पहले मैंने देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक चीज़, जो देखते रहो, वीडियो को स्किप मत करो। तो मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसका सोल्यूशन या तो आपको खुद बनाना पड़ेगा, या फिर सॉल्व करने के लिए मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। तो देखो पहले, तो अभी पावर दे दिया, चलो डिबग कार्ड में PS1 वोल्टेज आ चुका है, देख सकते हो PS1 वोल्टेज आ चुका है इसका। तो अब देखो, अभी मैं ऑन कर रहा हूँ, देखो ये बार बार ऑन हो रहा है और 15 कोड आके ही ऑफ हो रहा है, ठीक है, 15 कोड आके ही ऑफ। तो मैंने सोचा शायद यहाँ पर जो लैन आईसी था, ये जो लैन चिप था यहाँ पर, तो ये थोड़ा हल्का फुल्का हीट हो रहा था, तो मैंने सोचा इसका इशू है, तो मैंने इसे रिमूव कर दिया। ये है इसका लैन आईसी, देख सकते हो। तो इसका इशू नहीं है, मैं फिक्स कर दूंगा वीडियो ख़त्म होने के बाद, ये फुल रेडी करके डिलीवरी करने से पहले फिक्स करूंगा। लैन आईसी ठीक है। तो देखो, बार बार ये चल रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, 15 कोड आ रहा है और बंद। तो CPU का इशू नहीं है, क्योंकि ये जो CPU है, जेन्यून CPU है, टेस्टेड। इसी CPU में मैं डिस्प्ले ला के दिखाऊंगा, और इसी रैम पे ही फॉलो करते रहना आप। तो रैम का भी इशू नहीं है। तो देखो, अभी मैंने बंद कर दिया। अब इस टाइप का अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप समझोगे बायस से हो रहा है। तो चलो, आपने सारा गीगाबाइट का वेबसाइट में जितना भी इसका बायस है ऑफिशियल साइट में, सारा अगर आप कर लोगे तो भी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होगा। तो इसका सलूशन है, अगर आपके पास सेम मदरबोर्ड पहले आया था, अलग प्रॉब्लम था, अगर आपने उसका बायस फाइल कॉपी करके रखा है, तो फिर ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ऐसा अगर नहीं है तो मुझे कांटेक्ट करना टेलीग्राम पे, मैं ये फाइल भेज दूंगा, जेन्युइन विन फाइल। तो ऐसा प्रॉब्लम आए तो एक बार ये करने से हो जाएगा आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट। तो देखो, पहले तो बायस पे किसी का भी शक नहीं जाएगा, क्योंकि क्यों नहीं जाएगा उसका भी रीज़न है। देख लो, पावर दिया, अभी मैंने देखो बोर्ड दिख रहा है ना, अभी ट्रिगर किया, 15 कोड आके बंद। अभी जब यहाँ पर मैं ट्वीज़र से शॉर्ट करूँगा ग्रीन और ब्लैक को, देखो ये मैंने ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट कर दिया। अब देखो, बोर्ड चल रहा है, डिस्प्ले आ चुका है इसका।
एक सेकेंड, एक बीपर लगाना पड़ेगा, एक बजर लगा देता हूँ। तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम हुआ, चलो डिस्प्ले आ गया, बीप दिया इसका। तो देखो अभी मैं खोल देता हूँ फिर से, डिस्प्ले इसका आ चुका है, ये भी मतलब आ चुका है, डिस्प्ले पे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं खोल रहा हूँ, ये चलेगा बिंदास। देखो अभी डिस्प्ले पे है, ये चल रहा है, डिस्प्ले भी इसका आ चुका है। तो अभी बंद कर रहा हूँ मैं, अभी मैं फिर से ऑन किया और देखो फिर से रिस्टार्ट। तो अभी देखते जाओ, फिर से रिस्टार्ट हो रहा है। ये मेरा ट्वीज़र नीचे गिर गया और इसका जो थ्रेड है ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। थोड़ा सा देखते जाओ, अब बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, मैं तब तक के लिए इसे थोड़ा सा सीधा कर लूँ। ट्वीज़र तो गया मेरा, देखो रिस्टार्ट। अब फिर से फॉलो करो। तो अभी मैंने ट्वीज़र लगाया, शॉर्ट ट्वीज़र लगाया, शॉर्ट कर दिया। अब देखो ये डिस्प्ले आ जाएगा। आ गया डिस्प्ले, बीप दिया यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा हल्का सा दिया, सुनाई नहीं दिया। तो अभी हटा लेता हूँ। तो देखो ये बीप पे आया है, डिस्प्ले इसका आ चुका है। चलो कीबोर्ड पे दिखाने के लिए मुझे कीबोर्ड पे भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर बहुत सारा मदरबोर्ड है कीबोर्ड के ऊपर, तो अभी मैं भी देख लेता हूँ थोड़ा सा कीबोर्ड पे भी है कि लाइन। हाँ कीबोर्ड पे भी इसका डिस्प्ले है, ठीक है, दिखा भी देते हैं, कोई बात नहीं। देख लो इसका कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ चुका है, ठीक है, इसी का ही कीबोर्ड है। तो डिस्प्ले भी आ चुका है, तो मुझे स्टैंड घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो फिर भी देख भी लो आप, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सा ये केस स्टडी है। तो अगर ऐसा हो रहा है ट्वीज़र से शॉर्ट करने में, ये देखो आ चुका है, ये डिस्प्ले आ चुका है इसका, ठीक है। तो ट्वीज़र से शॉर्ट करने से ये बोर्ड चल रहा है और ट्वीज़र हटाने से भी चल रहा है। लेकिन अगर आप ट्रिगर कर रहे हो तो एक सेकंड, देखा घूम गया ये, अगर आप ट्रिगर कर रहे हो तो बोर्ड चल के ही रिस्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में कोई भी नहीं समझेगा कि इसका रीज़न बायस है। तो सारा लोग पहले आयो को क्लीन करेगा। तो ऐसा प्रॉब्लम मैंने बोला पहले ही, आयो अगर ड्राई हो जाए, इसका RSM रीसेट का सिग्नल मिसिंग हो रहा है, तो बार बार बोर्ड का जो पावर गुड्स है वो किक नहीं ले पा रहा है, इसीलिए बार बार ये रिस्टार्ट हो रहा है। ऐसा होता है 81 में, 81 के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो 81 सारा फोकस 81 पर ही जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो अदर बोर्ड में भी होता है, तो अभी 81 है हमारे पास। तो आयो से भी ऐसा होता है, और बायोस से अगर ऐसा होता तो ट्वीज़र से शॉर्ट करने में कभी भी डिस्प्ले नहीं आता, ठीक है, तो वो डायरेक्टली चलता 00 कोड पे। तो इस बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम अलग है, ट्वीज़र से शॉर्ट करने से ये डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन ट्वीज़र हटाने से भी बोर्ड चल रहा है। लेकिन ट्वीज़र को हटा के अब जब फिर से पावर दो, तब ये बोर्ड सेम ऐसा रिस्टार्ट हो रहा है। देखो 15 कोड आके ही बंद। 15 कोड जब भी आ रहा है तब भी ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो मैं भी बहुत परेशान था इस बोर्ड को लेके, बहुत टेंशन था। तो बहुत ढूंढने के बाद एक बायोस मैनेज किया, तो खुद के पास भी मेरा नहीं था, किसी से मैंने लिया, तो अभी हो गया मेरे पास वो बायोस। अगर किसी को चाहिए तो वो बायोस मिल जाएगा, मांग सकते हो टेलीग्राम पे, टच में रहना, कॉन्टैक्ट करना। तो अभी देखो उस बायोस फाइल को मैं, ये जो चिप है बायोस का ये भी सही है, इस पर मैंने बहुत सारा बायोस ट्राई किया फिर भी काम नहीं बना, चिप बिल्कुल सही है। तो मैंने सोचा था चिप का इशू है, तो इसी चिप पर ही मैंने जो जेन्युइन बायस था जो मंगवाया मैंने वो डाला, फिर चलने लगा। उसके बाद इसका जो पहला वाला बायस फाइल था वही मैंने डाल के आप लोगों को बस दिखाया। तो गीगाबाइट के वेबसाइट में जितने भी बायस है, सारा का सारा बायस अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर मुझे कॉन्टैक्ट करो, ये बायस आपको मिल जाएगा। तो ये है मैं एक नया चिप पे, नया चिप नहीं, ये किसी और बोर्ड का है, उसी चिप में वो प्रोग्राम किया है, रीप्रोग्राम तो राइट किया है इसमें। तो अभी मैं इस सीमोस सेल को खोलूँगा, SMD को ऑन करूँगा और ये बायस चिप को चेंज करूँगा, जो कि इसमें मेरा, मेरे पास जो है रीड किया हुआ बिन फाइल जेन्युइन, वो बायस फाइल मैंने इसमें डाला।
तो अभी देखो प्रॉब्लम मैंने दिखा दिया, रीस्टार्ट प्रॉब्लम है, फिर भी एसएमपीएस में शॉर्टिंग करने से ये बोर्ड चल रहा है, हटाने से भी चल रहा है, लेकिन डायरेक्टली फोन पैनल से ये चल नहीं रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम भी हुआ तो भी आप एक बार बायोस को ट्राई करें, बिना वजह आयो को चेंज रिप्लेस मत करें, क्योंकि आयो से होता है पता है, लेकिन बायोस से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। ये सच में मुझे भी आज एक नया कुछ सीखने को मिला, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ वीडियो को आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरा भी डायोड बायोस पे नहीं था, तो मैं अभी इसका आयो चेंज करने वाला था। तो लास्ट टाइम किसी से एक बायस मंगवाया मैंने, तो उसी से सॉल्व हो गया। तो चलो आप भी देख लो, मैं इसे चेंज करता हूँ। कहाँ गया मेरा ट्विजर, चलो कोई बात नहीं। तो देखो अभी मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, चलो इसे यहाँ पर रखते हैं। और मैंने जो बोला, मैंने जो मंगवाया फाइल वो ये इसमें है, तो ये डालते हैं अभी। देखो ये वीडियो मैं यू इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है, इसलिए अगर ये सच में रियली बायस का इशू होता और बार बार बायस की वजह से ही रीस्टार्ट हो रहा था और एक बायस करने से हो जाता ऑफिशियल जो बायस है, तो फिर मैं वीडियो नहीं डालता। तो ट्विजर से शॉर्ट करने से चल रहा है और फोन पैनल से चल नहीं रहा है, कुछ लेटेस्ट लगा मुझे, इसीलिए मैंने डाला वीडियो को। मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी कुछ सीखना है ना, और मुझे भी एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे भी अपग्रेड होना है, मुझे भी सीखना है, क्योंकि अकेला कोई नहीं सीखता है, जो सिखाता है वो भी सीखता है। चलो अभी मैंने इसे वो वाला चिप डाल दिया जिसमें मैंने मंगवाया था बायोस, और ये है इसका बोर्ड में जो था वो चिप, पर ये चिप सही है, कोई बात नहीं, ये मैं रख लूंगा। तो अभी देखो मैंने बायस इसका डाल दिया, तो अभी एसएमपीएस को ऑन कर रहा हूँ और बजर को थोड़ा सा ठीक कर दूँ। देखो पीएसवन वोल्टेज आ चुका है और मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो ये ऑफ हुआ क्योंकि रीप्रोग्राम हुआ बायस, तो अभी ये चलेगा, बार बार रिस्टार्ट नहीं होगा। अब एसएमपीएस में शॉर्ट देखो बीप दिया, डिस्प्ले आ चुका है इसका, तो एसएमपीएस में अभी ट्विजर लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो डिस्प्ले भी देख लो, डिस्प्ले इसका आ चुका है, कोई बात नहीं। तो ये केस स्टडी मेरे ख्याल से सबको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो बस टाटा, लव यू ऑल, जय हिंद।